मेजबान ने ओमपुरी से कहा कि भारतीय फौज को मारा गया, जिस पर ओमपुरी बोले, हमने कहा था कि वो फौज में जाए। इटावा का लड़का 24 साल का मार दिया गया गोली से, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ तो कौन जिम्मेदार है पुरी साहब? हमने उसको फोर्स किया था कि फौज में जाओ। प्रोग्राम में शामिल मेहमान ने ओमपुरी से सवाल किया कि आपको क्या कदर के फौजी मारा जाए, जिस पर ओमपुरी बोले, मेरे वालिद फौजी थे, बैच नंबर भी बता दिया। भारतीय फौज की इज्जत के लिए जब मेजबान ने ओमपुरी से कहा तो अदाकार सीखपा हो गए और गुस्से में मेजबान से चुप रहने के लिए कहा। ओमपुरी ने कहा कि भारत क्या चाहता है, एक और फिलिस्तीन और इसराइल बने। चुप रहिए आप चाहते हो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसराइल और फिलिस्तीन बने? अगर चाहते हो पाकिस्तानी फनकार भारत ना आए तो मोदी के पैरों में बैठ जाओ और उन्हें मना करो। आखिर में ओमपुरी को मेजबान ने 30 सेकंड में जवाब देने का कहा तो ओमपुरी ने कहा कि 20 सेकंड में जवाब देता हूँ। ओमपुरी ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का तंजिया जवाब दिया। आप यहाँ 10-15 जितने भारतीय शहरी तैयार करना चाहते हैं करें, और पाकिस्तान भेजते जो खुद को बम बांध कर उड़ा लें।